दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, औरतों के इन पांच अंगों में छुपा है करोड़पति बनने का राज। पति की होती है चांदी ही चांदी, लेकिन औरतों के ये अंग बड़े होना भी जरूरी है। ऐसी औरत जहां भी जाती है वो घर करोड़पति हर हाल में जरूर होता है। जानिए औरतों के पांच बड़े अंगों के बारे में जो बना देते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति को करोड़पति। दोस्तों कहते हैं लड़कियों के शरीर के अंगों के कुछ लक्षणों को देखकर उसके सौभाग्य और सौभाग्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लक्ष्मी के समान होती हैं। उनके कदम इतने शुभ होते हैं कि जिस पिता के घर में वो जन्म लेती है उस घर को आबाद कर देती है, और शादी करके जिस घर में जाती है वहां उसके कदम पड़ते ही सुख समृद्धि की बारिश होने लगती है, पति के सारे काम बनने लगते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण, समुद्र शास्त्र और भविष्य पुराण में महिलाओं के बहुत सारे शुभ अंगों के बारे में बताया गया है, जिनको देखने से ना सिर्फ उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है बल्कि उनके आंतरिक रहस्यों को भी जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं औरतों के वो बड़े अंग अगर जिस औरत के हों तो उसका पति घर परिवार करोड़पति बन जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर वन, आपने अगर माँ लक्ष्मी की किसी भी तस्वीर या प्रतिमा पर गौर किया होगा तो आपको उनके बाल लंबे जरूर नजर आए होंगे। शास्त्रों के मुताबिक लंबे बालों वाली लड़कियां उच्च कोटि की होती हैं। लड़कियों के लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। दोस्तों नंबर टू, लड़कियों की लंबी गर्दन मंगल सूचक होती है। जिन लड़कियों की गर्दन लंबी होती है ऐसी लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो आजीवन वैभव युक्त जीवन जीती है। दोस्तों नंबर थ्री, आपने देखा होगा कि देवी माँ की हर प्रतिमा में उनके बक्ष यानी स्थन उभरे हुए दिखाई देते हैं। उभरे हुए बक्ष को धन समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत मान्यता है कि जिन लड़कियों के बक्ष छोटे होते हैं उन्हें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर फोर, जिन लड़कियों की नाभि गहरी और दाई ओर मुड़ी हुई होती है तो ऐसी लड़कियां शुभ मानी जाती हैं और वो महारानी की तरह जीवन बिताती हैं। दोस्तों नंबर फाइव, शास्त्रों के मुताबिक जिन लड़कियों का सिर यानी मस्तक बड़ा होता है तो वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों नंबर सिक्स, जिन लड़कियों के हाथ लंबे होते हैं ऐसी लड़कियां भाग्यशाली होती हैं और जिस घर में जाती हैं वहां सुख समृद्धि लाती हैं। दोस्तों नंबर सेवन, जिन लड़कियों के कान लंबे होते हैं मान्यता के अनुसार ऐसी लड़कियां सुख और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन बिताती हैं। दोस्तों नंबर एट, समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लड़कियों का मांसल और जंगा पुष्ट होता है वो काफी भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों नंबर नाइन, लंबे और चिकने और साफ स्वच्छ पैरों वाली लड़कियों के कदम देवी लक्ष्मी के समान शुभ माने जाते हैं। इनका कदम जहां भी जाता है वो घर पवित्र और धनवान हो जाता है। दोस्तों नंबर टेन, जिन लड़कियों के पैरों के अंगूठे के बगल वाली उंगली अगर अंगूठे से छोटी हो तो ऐसी लड़कियां काफी भाग्यवान होती है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिन लड़कियों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उन्हें लक्ष्मी के समान माना जाता है। ऐसी लड़कियां लक्ष्मी के समान तेजस्वी होती हैं और जिस घर में ये जाती हैं वहां सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। ऐसी महिलाएं बना देती हैं रंग से राजा। दोस्तों अगर आप भी लक्ष्मी के समान ऐसी हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है।